क्या चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है, हमारा क्या चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है। देखिए यहाँ पर तो कोई लाख चाहेगा एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता, इसलिए वो सब बात बेकार है और ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बारे में जी माननीय विजय चौधरी ने कुछ बात कही, उसके बाद कितना ना सुनेंगे, क्या मामला है बताइए तो, हमारा क्या चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है। तो किस किस तरह की बात बोलना, कौन एडवाइजर है, कौन इस तरह की बात करता है, ये बात समझ के परे आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात तो वो ठीक नहीं है, इस तरह से ऐसे ही किसी के बारे में कह देना। आप बताइए, आप ही लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है, तो इस तरह क्या कर रहे हो जी, बातों की चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह असत्य बात इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि ये मर्यादा है सदन के अंदर? वो तो मर्यादा ही है, बात नहीं करनी चाहिए और सदन की जो परंपरा है उसके विरुद्ध काम करना, अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं और बात गलत तो आप तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है, तो हम तो ये सब बात करते नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्यवाही की। और कोई बात है, आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ था, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन कर, और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए और उसके बाद बीजेपी के सहयोग के साथ मिलकर के फिर हम लोग सरकार बना लिए, वो अलग चीज है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए भाई, हम तो यही कह रहे थे ना खाली कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी वो, हम कहाँ कहीं कोई चर्चा करते हैं, कहीं हम कहने जाते हैं कि चार सीटेड हैं और इन पर और आगे तक की बात हो गई, ये सब बात को क्या मतलब है, लोगों को अपना घोषित करना है, खुद चुनाव लड़िएगा तो बताइएगा नहीं कि आप पर क्या आरोप है। तो इसलिए इन सब बातों पर जरूर ही एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। जेल के अंदर अगर आप आगे गिराने की साजिश आगे, आगे आगे कर रहे हैं और सब बात सामने आ रहा है, जेल से कैसे फोन हो रहा है, कैसे लोगों को आप जिसको भी फोन कर रहे हैं और लोग अपनी तरफ से बता रहा है कि हमारे ऊपर फोन आ रहा है, ये क्या क्या चल रहा है बताइए, ये सब कोई आचरण है, ये कोई मर्यादा का पालन हो रहा है? लेकिन ऐसी बातें हैं, देखिए यहाँ पर तो कोई लाख चाहेगा एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता, इसलिए वो सब बात बेकार है और ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुमत क्या कहीं आपको मिलेगा, परसेंटेज ज्यादा है कि वोट ज्यादा रहता है लेकिन सीट कम आया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वोट तो ज्यादा ही है और सीट भी ज्यादा है, लेकिन जो कुछ भी हो सरकार बनी तो मौका लीजिए ना, क्या इसमें ऐसी बात है। और लोग हम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं कम, और वह जनता मालिक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको 10 में कै गो सीट मिला, 2010 में कै गो सीट मिला था। तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय में आपने एक बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो 7-8 बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश होती है। वो तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कह दिया, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं। तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं, मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है, हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की भाई प्रजनन दर को कम करना है और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा, तो इस पर तो हम लोग तो बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ हम काम हम लोग कर रहे हैं, हर पंचायत में ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में चर्चा के सिलसिले में हमने कह दिया किसी के बारे में कि भाई लड़की हो या लड़का सबका सम्मान होना चाहिए, तो ये सब बात कोई मतलब नहीं है। बारे में विवादित बयान भी उन्होंने दे दिया, जाने दे, देखिए मेरे बारे में जितना मन करे उतना बोलता रहे, विवादित बयान दे, लेकिन सदन के अंदर जो मर्यादा है उसका पालन सर। लेकिन जरा आज आप अच्छी बात नहीं थी इस तरह का करना, हम तो कुछ बोलने वाले भी नहीं थे, लेकिन जब श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कुछ बातें रख दी और उसका फिर जब हुआ तो हम अचानक हमको नहीं कुछ सोचे सर, इससे सर थोड़ा आप भी आज गुस्से में दिख रहे थे। हम लोग नहीं, हम तो बता दीजिए ना कि भाई हम लोगों ने
हमने कितना समर्थन किया है, और उसके बाद आज बोल रहे हो हम तो कुछ बोलते नहीं है, तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो यही बात थी सर, आज के पहले इतना गुस्सा आप कभी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।